जी, तो अब हम कर रहे थे ये, हम पहुंचे हैं ये पोर्शन बी पे। इस पोर्शन बी में अजम्पशन थी 80 यूनिट सोल्ड एंड 20 यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक। हमें पता था कि 100 यूनिट्स टोटल बने हैं, और उसमें से अब ये अजम्पशन बी में 80 यूनिट सेल हुए हैं, तो हमें पता है सेलिंग प्राइस है 240। 240 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 80 से, जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 19,200 की सेल्स टोटल आ गई है। अब सीजीएस की तरफ, कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, तो हम लोगों ने सब सीजीएस में ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कुछ नहीं, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है कि 20 यूनिट्स का है, तो प्रोड्यूस हमने 100 किए थे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी कॉस्ट से, जो हमने प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की है 180, 180 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 18,000। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 20 यूनिट्स का, और ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में शामिल नहीं होंगे, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक था बनता 180 इंटू 20, तो 3600 बनता है। तो 3600 को जो हमने लेस किया 18,000 में से, तो हमारे पास अमाउंट आई 14,400। 14,400 जो है ये सीजीएस है, इसको लेस किया गया सेल्स में से, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया, जो कि 4,800 है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकला? सेल्स माइनस सीजीएस, दैट्स इट, और आपके पास 4,800 का ग्रॉस प्रॉफिट निकला। लेकिन यही सिनेरियो अगर हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स की अमाउंट हमारी बनेगी सेम 19,200, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारी कमी होगी। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 180 थी कॉस्ट, यहाँ पे 160 कॉस्ट है। हमने प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट ले ली 100 इंटू 160 इज इक्वल टू 16,000। उसमें से हमने जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको लेस करना है, जो कि 20 यूनिट्स है, 160 के हिसाब से 3,200 हमने लेस कर दिया, तो हमारे पास जो अमाउंट आई सीजीएस की वो थी 12,800 की। अब सेल्स में से माइनस करेंगे सीजीएस 12,800, तो हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वो हमारे पास आया 6,400 का। अब ये जो 6,400 है, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का पोर्शन नहीं शामिल था, और ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में भी शामिल नहीं है, तो हम लोगों ने इसको ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ही हम ट्रीटमेंट करेंगे। जो हमने लेस किया 2,000 को, तो हमारे पास प्रॉफिट आया 4,400 का। यहाँ पे हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आया 4,800, यहाँ पे आ रहा है मार्जिन कॉस्टिंग में 4,400। तो ये थोड़ा सा इन दोनों के अंदर फर्क आ रहा है, इस फर्क को भी हम दूर करेंगे, इसको हम रिकॉन्साइल करेंगे, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में, हम आज ही के दिन हम लोगों ने इसको रिकॉन्सिलिएशन करनी है। लेकिन इससे पहले हम ऑप्शन नंबर 3 पे चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है जी, वो कहता है कि 110 यूनिट्स सोल्ड किए हैं, 110 यूनिट्स सेल किए हैं। अब 110 यूनिट्स जब सेल किए हैं, तो ऑब्वियसली इसको हम लोगों ने जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की या मार्जिन कॉस्टिंग की कैलकुलेशन करेंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस, तो हमारे पास निकल के आई 26,400। इसमें से प्रोडक्शन कॉस्ट हम लेस करेंगे, प्रोड्यूस हमें पता था कि हमने 100 यूनिट्स की हैं, तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये 10 यूनिट कहाँ से आए? 10 यूनिट हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा होगा, तो टोटल स्टॉक हमारे पास 110 बनेगा। जब हम लोगों ने क्या किया, वो जो 10 यूनिट थे उसको हमने ट्रीट किया एज एन ओपनिंग स्टॉक, और उसकी कॉस्ट ली हमने 180 के हिसाब से। 10 + 100 इज इक्वल टू 110, 110 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 19,800 हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई, जो कि हमने जब 26,400 में से माइनस की, तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 6,600 का। इसके बरक्स जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ आते हैं, तो सेम चलेगा वही हिसाब, 26,400 आएगा सेल्स की प्राइस,
और ओपनिंग स्टॉक में हम 160 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्शन कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ 100 के साथ, 160 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो टोटल आया 16,000. जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 17,600 की टोटल सीजीएस निकल के आई. अब जब सेल्स में से हम सीजीएस को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8,800 का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन निकल के आता है. तो 8,800 का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन निकल के आएगा, उसमें से फिर हम लोग माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन और हमारे पास प्रॉफिट निकल के आएगा 6,800. तो ये थोड़ा सा फर्क था. सिंपली हमें नजर जो फर्क आ रहा है दो जगह पे आ रहा है, एक ये सीजीएस के अंदर यूनिट की कॉस्ट में चेंज नजर आ रहा है और दूसरा जो चेंज नजर आ रहा है हमें ये फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन है जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल हो जाता है लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम इसको माइनस करते हैं तब उसके और माइनस करने के बाद हमारे पास नेट इनकम निकल के आती है या नेट प्रॉफिट निकल के आता है. ये आपकी स्लाइड पहली स्लाइड्स थी इस टॉपिक की कंप्लीट हो गई. अब हम सेकंड स्लाइड्स की तरफ जाते हैं. ये एक छोटी सी ग्रिड बनी हुई है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड. अब ये प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा है, उसमें कंपैरिजन कर रहा है, बता रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या क्या इम्पैक्ट आएगा कि जब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के बराबर होंगे तो दोनों साइडों पे प्रॉफिट सेम आएगा, लेकिन जब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ज्यादा होंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा प्रॉफिट शो होगा और मार्जिनल कॉस्टिंग में कम प्रॉफिट शो होगा. इसके बरक्स जब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कम होंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से तो प्रॉफिट लेस होगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा शो करवाएगा. ये ग्रिड है, जब हम सोल्यूशन निकालेंगे सवालों के तब हमें ये हम प्रैक्टिकली इसको विटनेस भी करेंगे. अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको कहते हैं रिकंसिलिएशन. रिकंसिलिएशन करके तो हमें आइडिया भी हो जाता है कि हमने सवाल असल में सही हल किया है या हमने सवाल गलत हल किया. आप भी कहेंगे कि सर ये रिकंसाइल करने की हमें जरूरत क्या पड़ी. असल में एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए करते हैं और असल में वही कॉस्टिंग हम लोगों को करनी होती है, लेकिन जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ये इसमें फिक्स्ड कॉस्ट को हम शामिल नहीं करते. तो हमने अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाना हो या कोई प्रोजेक्ट हमने सॉरी प्रोडक्ट हमने नया बनाना हो तो उसकी एग्जैक्ट कॉस्टिंग निकालते हैं हम. और अब जब हम रिकॉन्साइल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा टोटल फर्क कहाँ पे आ रहा है कॉस्ट के अंदर. रिकॉन्साइल में हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जब मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ जाएंगे तो दोनों के प्रॉफिटेबिलिटीज जो अगर प्रॉफिट आया है तो दोनों का प्रॉफिट सेम हो जाएगा, आपको नजर आएगा कैसे आएगा और जो डिफरेंस है उन दोनों के दरमियान में वो कहाँ से आ रहा है वो भी हम लोगों को इसको आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ से आ रहा है. खैर जी, हमारे पास रिकंसिलिएशन में हमने अगर एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको तीन करवाई हैं उसमें अगर आपको याद हो कि हमने सिचुएशन नंबर ए के अंदर ए सिचुएशन थी हमारे पास दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी सेम आई थी यहाँ पे, ठीक है जी. और उसके बाद जो सेकंड है प्रॉफिटेबिलिटी अजम्पशन नंबर बी, तो हमारे पास 80 यूनिट्स जब सोल्ड करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 4,800 आ रहा है प्रॉफिट और उसके बरक्स मार्जिनल कॉस्टिंग में आ रहा है 4,400, ठीक है. तो अब हम इसको सिर्फ याद रखिएगा. अब हम चलते हैं रिकंसिलिएशन की तरफ. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है सबसे पहले हमने उसको लिखना है. ये 4,800 था, हमने सिंपली उसको वहां पे पुट फॉरवर्ड कर दिया, हमने लिख दिया, राइट डाउन कर दिया. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट अगर हमारा बनता है 4,800, सॉरी मैं अब आपको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं इसको, एक सेकेंड जी. हम
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है जी, कॉस्टिंग का नेट प्रॉफिट था जी हमारा कितना 4800 निकल के आया था, 4800, ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है हमने, हमने सिंपली इसमें लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक, लेस किया हमने क्लोजिंग स्टॉक एट द रेट ऑफ फिक्स्ड FOH रेट। अब ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट क्या हो गया, ये आपको लग रहा है मुश्किल है, नहीं ये बहुत ही आसान है। ये पोर्शन में असल में हमने किया क्या है, हमने क्लोजिंग स्टॉक हमने देखना है हमारा कितना था, क्लोजिंग स्टॉक हमने देखना है हमारा कितना था। नहीं जी, अब आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक की तरफ। व्हाट वाज आवर क्लोजिंग स्टॉक, ये हमें बता रहा है जी 80 यूनिट्स सोल्ड है और 20 यूनिट्स इन स्टॉक है। इसका मतलब है कि 20 यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक हमारे पड़े हुए हैं। तो हमारे पास 20 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक के पड़े हुए हैं, तो हमने क्या किया जी 20 यूनिट्स लिख दिए और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट याद करें भाई कितना था, किसी को याद है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट? यहाँ पे सवाल में मैं सामने लिखा हुआ 20 नजर आ रहा है, लेकिन 20 कहाँ से आया, ये 20 कहाँ से आया है, 20 कहाँ से आया है इसको हम देखते हैं। 20 आया है जनाब, 20 को निकालते हैं, 20 कहाँ से आया ये देखें जी, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट कहाँ से आया ये सवाल देख लें। हमारे पास फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट दिया हुआ था उसने 2000 का, आ रहा है नजर सवाल के अंदर। ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट दिया उसने 3000 का और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट दिया उसने 2000 का, लेकिन 2000 का तो उसने हमें बता दिया, लेकिन यहाँ पे हमने 2000 तो नहीं लिया, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 से। तो 20 कहाँ से आया, 2000 जब हम करेंगे इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितने थे 100 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 20 की अमाउंट आ गई। तो हम क्या करेंगे इज इक्वल टू करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 20, तो वो कितना बनता है, वो बनता है 400, और 400 को हमने यहाँ से माइनस कर देना है। जब हम 400 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस 400 को हम ब्रैकेट्स में कर देते हैं ताकि आप समझ जाएं कि ये 400 माइनस होगा। जब हम 400 को माइनस करेंगे 4800 में से तो अल्टीमेटली हमारे पास 4400 आएगा जो कि मार्जिनल क्लोजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है। अब हम लोगों को पता चल गया कि मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ये कहाँ से आया जी, कैसे आया, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कहाँ से आया है कोई नहीं बता रहा मुझे, अब तो सारे खामोश बैठे हैं। खैर, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कहाँ से आया, हमने सिंपली क्लोजिंग स्टॉक लिया और उसमें से जो उसको मल्टीप्लाई किया है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट का जो पोर्शन था उसके साथ। तो अब हमें पता चल गया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में एक ही फर्क था, वो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट का था, और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का रेट का जो फर्क था वो हमने हाँ जी ये हमें गिवन भी होगा और हम लोग इसको आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट का जो डिफरेंस था मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट नहीं आता और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आता है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का फर्क क्या है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट, ठीक है। अगर हम उसको निकाल लें तो दोनों के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी दोनों की सेम आ जाएगी। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि जब हम फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो कि 2000 था टोटल,
उसको डिवाइड करेंगे 100 से जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस थे तो हमारे पास 20 पर यूनिट आ गई ये कॉस्ट। तो ये था जी रिकंसिलिएशन इन रिस्पेक्ट टू जी जी बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक वो है जो कि हमारे पास रह गया और वो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट का पोर्शन उसमें शामिल था। खैर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल का पोर्शन था पोर्शन नंबर सी। इसमें हमने क्या किया है, जब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा तो हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट को ऐड करेंगे उसके साथ हम ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड ओवरहेड रेट फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो कि 20 का है, जो कि 20 है, ठीक है, जी जो कि 20 था फैक्ट्री फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट हमने 20 निकाला था ना, ये जो हम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है ये अजम्पशन नंबर 3 थी हमारी, सी थी, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है उसमें 110, इसमें क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास नहीं बचता। जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचता तो ऑब्वियसली हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, इसमें 100 यूनिट्स तो प्रोड्यूस हुए थे तो 100 प्लस 10 ओपनिंग के तो टोटल कितने हो गए 110। अब हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट का, तो एक दफा मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, एक दफा स्लाइड दिखा देता हूँ पुरानी वाली जहां से जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है जी जी ये वाली स्लाइड। इसमें आप अगर नोट करें तो हमें जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसमें प्रॉफिट हुआ है 6600 का और मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट हुआ है 6800 का, ठीक है, यही फर्क है ना, यही फर्क है। तो अब हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे 6600 और 8800। अब 6600 में हमने क्या किया है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट था जी हमारे पास 6600 और अब इसको हमने किया यहाँ पे ऐड ओपनिंग स्टॉक इनटू फिक्स्ड रेट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक था 10 यूनिट्स का और फैक्ट्री ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो था हमने निकाल लिया था वो है हमारा 20। टोटल कितना आया हमारे पास 200 का, 200 को हमने ऐड करना है और मार्जिनल कॉस्ट का प्रॉफिट टोटल हमारे पास, इसकी एडिशन करेंगे हम तो सिंपली हमारे पास 6800 आ जाएगा। तो ये था जी आपका जी मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक नहीं है ये ना, ये मल्टीप्लाई बाय, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक क्यों है, क्योंकि हम लोगों के पास इस सिनेरियो के अंदर जो ऑप्शन नंबर सी थी इसमें हमने, हाँ जी सर बस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैसे लेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट कौन सी की बात करें बेटा, हमने एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट जो है वो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर रहे हैं, कर चुके हैं, 180 की हमने कैलकुलेट की थी जिसमें जी एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट, ये अगर आप देखें नोट करें तो ये स्लाइड है हमारे पास, ये हमने ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है यहाँ पे 6600 का और यहाँ पे हमने निकाला है 6800 का। इसमें यहाँ पे हमारे पास ये 6600 ही नेट प्रॉफिट है और इसमें हमारे पास 6800 है नेट प्रॉफिट। ऑब्वियसली जब 6600 यहाँ पे होगा प्रॉफिट होगा और वहां पे 6800 होगा तो हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का 6600 और उसको कंपेयर कर रहे हैं हम मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ और इसको हम रिकनसाइल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो 6600 ये हमारे पास यहाँ से आया है, अभी मैंने आपको स्लाइड दिखाई, बल्कि हमारे पास पीछे स्लाइड ओपन भी है
और उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स 10 है ओपनिंग स्टॉक के, उसको हमने ऐड किया है फैक्ट्री ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 200 वो आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट हमारे पास निकल के आ जाता है। कि रिकॉन्सिलेशन की बिल्कुल समझ नहीं आई रामीन, इसमें अच्छा रिमान है, सॉरी रिमान, इसमें सिंपली ये फॉर्मूला याद कर लें कि हमने जाना है, मूव करना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के दरमियान में फर्क देखना है कि किस तरीके से हम फर्क को दूर करेंगे। तो हमें इस चीज का पता है कि फर्क सिंपली आया है फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। फिक्स्ड कॉस्ट किस चीज की? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट की वजह से। इन दोनों में यही फर्क है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में शामिल नहीं होता और ये मार्जिनल कॉस्टिंग में शामिल नहीं होता, लेकिन ये शामिल होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। तो जो हमने दोनों साइडों के नेट प्रॉफिट्स निकाल लिए हैं, तो जो नेट प्रॉफिट्स में मार्जिनल कॉस्टिंग वाले में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले में जो फर्क होगा, डिफरेंस होगा, वो हम लोगों ने निकालना है कि कितना वो फर्क है और वो कहाँ से आया है। तो हम इसमें से कैसे निकालेंगे, एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट ज्यादा आया इस सिनेरियो के अंदर जब 80 यूनिट सोल्ड की है और 20 यूनिट बच गई है, तो आपके पास एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट आ गया ज्यादा 4800 का। उसमें से आपने लेस करोगे कोई अमाउंट तो पहुंचोगे ना, कि मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है और एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट का एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट आपका ज्यादा है। तो अब लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक जो आपके पास बच गया है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट के पोर्शन से। जो जहां तक तो मुझे समझ आ रही है 20 क्लोजिंग स्टॉक का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट की आपको समझ नहीं आ रही होगी कि 20 कहां से आया। तो ये मैंने बड़े आराम से समझाया था कि इस प्रॉब्लम के अंदर आपका फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज इक्वल टू 2000 है। ठीक है जी, आप पुरानी स्लाइड देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि 2000 का वो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट है। तो जब फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट को हमने निकाला कि कितने पर यूनिट पे है, तो 100 यूनिट्स बनाए थे हमने, तो हम पर डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ गया 20 पर यूनिट। अब पर यूनिट जब हमारे पास 20 फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट है, तो जब हम 20 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 20 इसकी कॉस्ट के साथ, मींस के इसकी हमने कितनी कॉस्ट आई है, तो ये बन जाएगा 20 × 20 = 400। तो इसी तरीके से हमने जब ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट के पोर्शन को सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास ये डिफरेंस निकल के आ जाएगा दोनों के प्रॉफिट्स के अंदर। इसमें यहाँ पे माइनस किया है, और दूसरे सिनेरियो में जब 110 यूनिट्स हमने सेल किए हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक था नहीं, ओपनिंग स्टॉक की हमारे पास जो थी ना ऑप्शन मौजूद थी, और ओपनिंग स्टॉक को हमने मल्टीप्लाई किया फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट के साथ, तो हमारे पास टोटल निकल के हमारा आंसर आ गया जो कि 6800 था। अब ये तो हो गई थी रिकंसिलिएशन। ये सवाल जो मैंने आपको एग्जाम्पल में करवाया, ये वही सवाल है। इसके अंदर सिर्फ रिकंसिलिएशन वाला पोर्शन देख लेते हैं हम, कि रिकंसिलिएशन किस तरीके से होगी। इस अभी मैंने जो आपको आज लेक्चर स्टार्ट किया, उसके स्टार्ट के अंदर भी मैंने आपको ये सवाल समझा दिया था। तो अब देख लें, इसमें 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 20,000 यूनिट सेल हुए, ओपनिंग स्टॉक आपका जीरो था, और लास्ट क्लास याद है ना, ये 13 आपकी टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट थी और 9 आपकी मार्जिनल कॉस्ट थी। उसके बाद हमने जब ये फॉर्मेट के अंदर तमाम चीजें पुट की, और तो हमारे पास क्या निकल आया, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल आया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, और नेट प्रॉफिट 45,000 का निकला है हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग का। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ। ये जो हमने सवाल हल किया, ये वाला जो स्लाइड्स के अंदर, ये और वो सवाल जो हम वहां पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो अब हम इसकी रिकंसिलिएशन सिर्फ करेंगे। हमारे पास 45,000 एक प्रॉफिट आया मार्जिनल कॉस्टिंग का, और 85,000 आया हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट। अब इसकी रिकंसिलिएशन किस तरीके से होगी, हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट लिखा 85,000। ठीक है जी,
उसमें से लेस किया हमने क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना था जी, क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है हमारे पास 13 into 10,000। सवाल अगर देखोगे तो याद आ जाएगा कि 30,000 यूनिट्स बनाए थे, 20,000 सेल हो गए थे, तो 10,000 रह गए थे। अब इसमें इसमें अब क्या करेंगे कि हमें हमने देखना है कि हमारा पोर्शन कि कौन सा है, सॉरी फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट का पोर्शन कितना है कॉस्ट के अंदर शामिल। तो वो जो हमने चेक किया स्लाइड नंबर 6 को, तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड रेट का जो फिक्स्ड है वो नजर आ गया कि वो 4 पे के हिसाब से चार्ज हुआ हुआ है, 4 आ गया। वेरी गुड अब्दुल सुभान, बहुत जबरदस्त आप निकाल रहे हो। तो 4 था वो निकल आया, हमने जब वो 4 को मल्टीप्लाई किया 10,000 के साथ, हमारे पास टोटल 40,000 की अमाउंट आ गई। जब हमने इसको 85,000 में से माइनस किया तो टोटल 45,000 की अमाउंट हमारे पास आ गई प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये था बच्चों आपका आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 15 आपका कंप्लीट हो गया है। आपकी स्लाइड्स और आपके नोट्स ये आपके पास अवेलेबल है। बुक के जो सवाल है 4, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको इसकी पिक्चर्स खींच के आज भेज दूंगा, और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे ऐड कर लें, और कीप कॉन्टेक्टिंग मी, हम लोग इसके तमाम की तमाम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई मसला आता है तो आई एम हेयर फॉर यू, आप मुझसे मदद ले सकते हैं। प्लस ये जो आज का लेक्चर है, आज से तमाम के तमाम लेक्चर्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, इंशाल्लाह आज ही हो जाएगा बेटा। और समिया बेटा, मुझे पता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो आप बेटा मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। और ये था आज का लेक्चर, लेट मी टेक योर अटेंडेंस, और अब इसको हम रिकॉर्डिंग को करते हैं क्लोज स्टॉप।